आगे मजीद आगे बढ़ती हुई दूसरी गली और पहली गली की तरफ आ रही है, ये शेड वाले टावर की तरफ के बराबर तक आ गई आग और मजीद आगे बढ़ रही है। गाड़ियां भी आ गई हैं, तीन तीन से चार गाड़ियां आ गई हैं, आग बुझा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत अफसोस दे वीडियो है। सुबह 10 बजे आग लगी थी और आग के कुछ मनाजर आप लोग देख भी सकते हैं कि शुरुआत जहां से हुई और उसके बाद बहुत ज़्यादा, मतलब नुकसान नहीं होगा लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। हर एक बाड़ा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जल चुका है। यहाँ पर सब कुछ राख बन गया है, जो बैम्बूज खड़े हुए हैं, जो बाँस हैं, वो सारे जो हैं वो जल के राख हो चुके हैं। और लोगों के यहाँ पे जो फ्रीज़र फ्रिज रखे हुए थे और जो चूल्हे थे होटलों के, सिलेंडर थे, वो फट गए हैं। जो मोटरसाइकिलें थी कुछ लोगों की, वो जल गई हैं, जो कि भागने को उन्होंने तरजीह दी ताकि अपनी जान बचा सकें, क्योंकि जान से बढ़ के तो कोई कीमती चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए उन सब लोगों ने जान बचाने के लिए भागने को ज़्यादा बेहतर तरजीह दी। सब लोग भागे यहाँ से और अपनी मोटरसाइकिलें, अपना कीमती सामान सब कुछ यहाँ छोड़ गए, लेकिन अपने जानवरों को निकालने की कोशिश की। जानवर यहाँ पे फिर भी कह रहे हैं कि 20 से लेके 50 तक जानवर जो हैं वो यहाँ पे जल गए हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है कि अगर हम टाइम से ना भागते तो यहाँ पे आग जो है वो हमें भी लग जाती। कुछ लोगों का सुनने के लिए आ रहा है कि जी उनको आग लगी है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को, अल्लाह ना करे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान ज़रूर हुआ है। यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं जिनका इंटरव्यू मैंने लिया है, तो आप लोग वो मुलाहजा फरमाएं। साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँगा कि यहाँ पे कितनी आग लग चुकी है और कितनी आग जो है अभी तक थोड़ी सी आग लगी हुई है, तो वो मनाजिर भी आप लोगों को आगे चल के वीडियो में नज़र आएंगे। क्या होगा मंडी, क्या यहीं बाकी लगेगी या नहीं लगेगी, और क्या आगे चल के मंडी का जो है वो यहाँ पे इंतज़ाम होगा या नहीं होगा, और व्यापारियों को ख़ुद से इंतज़ाम करने दे रही है गवर्नमेंट और इंतज़ामिया या नहीं करने दे रही, ये सारी चीज़ें, सारे सवाल जो हैं वो आगे मैंने व्यापारियों से किए हैं। तो बेहतर है कि आप फुल वीडियो देखें ताकि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप लोग ये सवाल मुझसे ना करें, पर्सनली मैसेजेस करके या व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी आप लोग सारी वीडियो देखेंगे, आपको सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखें फुल वीडियो। अच्छा जो जानवर रूस गया और पिछले भी सारे उत्ते पिछे जानवर भी मरे ने, बड़ा जानवर मरे डेवो गड्डियां सड़ गई, माल लिया वाला। अच्छा आज ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜੇ ਹਰ ਬਾੜੇ ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੇਪਰ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਬਸ 100 ਹੋਏ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ, ਦੋ ਜਨਰੇਟਰ ਆਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। बांस नू अग लगदी भी इंज जिवें तीली नू अग लाई दी, पेट्रोल नू अग लाई ਨਾਲੇ ਹਰ ਬਾੜੇ ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ, ਇਹੀ 10 12 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਹੈ 10 12 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਲੂਜ ਗਏ ਨੇ, ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ जागते खोल के बाहर कड लिया जिंदगी जगह माल बाहर लगाए जगह
बेवारस हो गए आंदे दिहाड़ी सोचने सवेरे दसने कल दसने मेहरबानी चाचा जी बहुत शुक्रिया। हम आपके गम में बराबर के शरीक है जी। हमारे लिए भी इतना अफसोसनाक वाकया है तो अल्लाह ताला सबका जितना भी नुकसान हुआ है अल्लाह ताला बेहतरीन भरे। लेकिन यह है कि बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरी सिचुएशन है इस वक्त। बड़े के आगे से जो जगह आती थी अंदर वो आके तो फिर अंदर जाकर ये यहाँ से नाला टप के तो सामने मस्जिद, तो मस्जिद की भी दीवारें वगैरह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कुछ वहाँ पर भी आग लगी है। लोगों की मोटरसाइकिलें जो है वो खड़ी खड़ी यहाँ पर आग लग गई है क्योंकि उठाने का या भागने का सिर्फ जैसे चाचा जी ने कहा है वैसे सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी थी, जान बचाई है लोगों ने भाग के, वरना ये जी मस्जिद का जो अभी है सारा उसे पेंट वगैरह हो रहा है अगर आप लोग यहाँ से देख सके तो। बाकी मस्जिद को काफ़ी जगह आग लगी थी, ये आप लोग निशान देख सकते हैं यहाँ पे मस्जिद की जो दीवार है उसके साथ साथ आग थी और सारी चीज़ें थी। वीडियोस भी कुछ आप लोगों को साथ साथ चला दूंगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। कई जगह जी ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी आग बुझी नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं धुआं उठ रहा है स्टिल अभी तक यहाँ पे। तो कितनी सारी आग लगी होगी, कितनी जगह यहाँ पर जल गई है, अभी सेक महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं शायद ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई होगी, इतनी पीछे मैं शायद ही कभी वीडियो बनाई हो मैंने शायद। और इतनी जगह पीछे जो है ये सारी यहाँ पे छोटे बाड़े होते थे, यानी कि बैक एंड के बाड़े होते थे इन लोगों के। ये आप लोगों को एक होटल नज़र आ रहा है जो कि जल गया। मैं इस होटल तक कभी भी नहीं आया था और ये पीछे सारी जगह जो है वो सड़ सड़ गई है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है अब सिवाए जले हुए बैम्बूज खड़े हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये पीछे एक बस भी खड़ी है, मैं आप लोगों को वो दिखाने जा रहा हूँ कि वो भी जल गई है, राख हो गई है। अभी तक मुझे यहाँ पे स्मेल आ रही है मतलब, और सेक महसूस हो रहा है किसी किसी जगह पे। आग अभी भी नीचे है ज़मीन में और इतनी ज़मीन इतनी पॉली हुई भी है किसी किसी जगह से तो वो गिरे जा रही है। अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हो रहे हैं जो बिल्कुल नुक्कड़ है तो वहाँ से ज़मीन मिट्टी गिरे जा रही है। इतनी आग लगी है कि मतलब यहाँ पे कोयला बन गया। मतलब अगर आपको मैं ये चीज़ दिखाऊं तो ये देखें जी जो लकड़ी के बांस वगैरह हैं वो कोयला बन गए हैं और कोयला बन के ये ख़त्म हो गए हैं यहाँ पे। आए जी ये है जी वो बस भी जल गई है, ये किसी की कंटेनर बस खड़ी होगी उसको भी आग लग गई है, ख़त्म हो गई यहाँ पे। लाहौर शाहपुर कांजरा मंडी के अंदर और ये देखें जी कोयला सारा मतलब ऐसे जैसे यहाँ पे। ये देखें जी शाहपुर कांजरा मंडी के अंदर बस को भी आग लगी है और पूरी यानी कि ये जो कंटेनर बस होती है इसमें बकरे वगैरह आते जाते हैं उसको भी आग लगी है और ये ख़त्म हो गई है। ये अंदर बढ़ जाओ अंदर बढ़ के बनाओ तो अंदर भी आप लोगों को दिखा देते हैं जी। शीशे शूशे पड़े हुए हैं ये देखें जी, बिल्कुल ख़त्म हो गई है, शीशा टूट गया इसका ऊपर से आप लोग देख लें जी। लोड करने सानो चंगे सी सर लोड करे बकरे की होया माल लोड करन ले खड़े सा। अच्छा जी सर कदो दा टाइम केड़े टाइम होया कल सर? तकरीबन 12:00 बजे 12:01 बजे जी सर। ते किथे लेके जान लगे से तोड़ा ट्रक के किदा है? साडा ट्रक है। किन्ना हुन नुकसान हो गया तोड़ा? ये सर जी 60 लाख दी गड्डी है। 60 लाख दी गड्डी है 70 दी यूरो गड्डी टाइप। अच्छा जी सारी सड़ गई है मतलब पिछला पासा वो तो मेन ते अगला ही आंदा है ना, पिछला ते लोहा है ये वो तो पेंट हो जाएगा कोई गल नहीं जी सर। टुच भी लग जाएंगे तो चल जाएगा काम, लेकिन अंदर ते इंजन ही सड़ गया, वायरिंग सड़ गई, सारा कुछ सड़ गया जी। ते एक मतलब आगे शुरू किथे हुई है? परले पासो जी, ओ खंबे को। ते वो किस तरह मतलब की होया किसी? ओ सर जी असि रासे नहीं, ओ कहंदे खंबे दी तारां टच होईयां रहे विच उठी तारां लाग किथे आग लगदी। अच्छा किसी लाई है आग, वो मंडी वाले यही कहने लगे लाई गई आग, लाई गई है आग। सही
ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਰ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸੜ ਗਿਆ ਟਾਇਰ। ਅੱਛਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਰ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਐ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਵੀ ਦੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਰੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਜੀ ਜੀ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਚੌਕ 4 ਜੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਆਕਤ ਚੌਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਬਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਮਾਫੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਤੇ ਪਏ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਟੂਟੂ ਵਾਲੇ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਜਾਨਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਰੇ ਸਾਰੇ ਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ, ਡੈ ਵੋ ਬਸ ਜੋ ਚਲੀ ਹੈ ਉਨਕੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਯੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਆਪਕਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਤੀਫ ਸਰ। ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਕੈਸੇ ਹੁਆ, ਕੁਛ ਬਤਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਆਗ ਲਗੀ, ਆਗ ਗਾੜੀ ਕੋ ਪੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾੜੀ ਆਗੇ ਸੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੂੰ, ਇਹ ਘਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਆਪਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ 15-20 ਲੱਖ ਦਾ। 15-20 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਇਹ ਗਾੜੀ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਈਦ ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਥੀ, ਸਭ ਘਰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਗਏ ਹੋਏ ਥੇ। ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਯਹਾਂ ਪਾਰ ਕੀ ਹੋਈ ਥੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬਾੜਾ ਥਾ। ਆਪਣਾ ਬਾੜਾ ਵੀ ਆਪਕਾ? ਬਾੜਾ ਥਾ, ਸਾਥ ਬਾੜ ਕੇ ਆਗੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਥੀ ਗਾੜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਥਾ ਆਪਕਾ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਥਾ। ਖਾਲੀ ਥਾ, ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਆਪਕਾ ਕੁਛ ਥਾ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ? ਪਰ ਹਮ ਹਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਤੋ ਹਮ ਵੀ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਪੇ ਥੇ। ਬਾੜਾ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੀ ਬਾੜੇ ਹੈ ਆਪਕੇ? ਸਾਰਾ ਛੁੱਟੀ ਪੇ ਗਏ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮੈਂ ਆਗ ਲੱਗੀ। ਕੋਈ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸੇ ਲਗਾਈਏ, ਕੋਈ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਹੁਆ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਆ ਬੋਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਯੇ ਲੋਗ, ਅਭੀ ਕੋਈ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾੜੇ ਬਣਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਕੋ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਤੇ ਹੈਂ। ਬਣਾਏਗੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਾੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯੇ ਜੀ ਬਾਂਸੋ ਕਾ ਪੂਰਾ ਯੇ ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ ਹੁਆ ਹੈ, ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਖੁਦ ਬਨਵਾਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਨਕਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਮਾਫ ਕੇ ਦੇਂਗੇ, ਜੋ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕਾ ਤੋ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਨਾ? ਅਜ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਰੇਂਗੇ, ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਆਰੀ ਅਜ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਪੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕੱਲ ਸੇ ਆਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਆਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, 10:30 ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪ ਲੋਗ ਗਏ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਬਣਾਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਐਮਪੀਐਮਏ ਨੇ ਆਏ ਦੇਖ ਕੇ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਬਤਾਏ, ਲੋਗੋ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਟੀਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਮ ਖੜੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਯਹਾਂ ਕੇ ਠੀਕਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਆਪ ਲੋਗੋ ਕਾ ਜੋ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁਆ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਭਰੇ, ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੇ ਬੱਚੋ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਕੀ, ਤੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਸਕਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋ। ਈਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੀ, ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ, ਕਿਆ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ, ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾ, ਨਾ ਆਗੇ ਕੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ। ਚਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-35 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੜ ਗਏ ਇਧਰ, 30-35 ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੇ 2-3 ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਲੋਗ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਬਾੜ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 2-3 ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮਾਲਕ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ, ਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾਨਵਰ ਸੜ ਗਏ। ਜੇ ਕੱਲ ਆਪ ਆਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲੈਤੇ, ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ? ਵਾਹ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਂ ਪੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7-8 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੇ, 7-8 ਲੱਖ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਪੂਰੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਇਨ ਭਾਈ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਆਪ ਲੋਗੋ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਾਟ ਆਪ ਸਾਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਰਹੇ ਥੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕਿਤਨੇ ਕੋ ਕਬੂਤਰ ਮਰੇ ਆਪਕੇ? 25-30 ਮਰ ਗਏ ਹੈਂ, ਉੱਡ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਕੁਛ ਉੜ ਉੜ ਕੇ ਇੰਤਾਰੋ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਥੇ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈਂ। ਤੋ ਖੈਰ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਆ।
इन्हीं भाई का ये होटल भी है, ये एक होटल इनका ये सड़ा है और एक ये दरख्तों के परली साइड पे एक होटल है जहाँ पे वो क्रेन भी आप लोगों को शायद नज़र आ रही होगी काम कर रही है, उससे पहले जो है एक होटल है तो वहाँ पे भी मैंने शॉर्ट्स में बनाए हैं, वहाँ पे भी इनका सारा सामान वगैरह सड़ गया है। ये मोटरसाइकिल ख़राब ही खड़ोती थी या नवी मोटरसाइकिल खड़ोती थी? नवियाँ मोटरसाइकिल हैं जी खलौती से, नई मोटरसाइकिलें खड़ी थी कह रहे हैं जी। ये हाल देखने जी आप, सारी बाल्टियाँ चाल्टियाँ सब लोहा शोहा सब ख़त्म हो गया और यहाँ तक के कि अभी तक इनके सामान को जो है कुछ लकड़ी शकड़ी ये वो आग लगी हुई है, यहाँ पे बुझाने का कोई सिस्टम नहीं है। अब वो भी क्या बुझाएं, जबरा ही कुछ नहीं गया, चिड़िया चुग गई, खेत सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। मैं यहाँ से क्रॉस करके जाता हूँ, मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाऊं कि इन लोगों के जो क्रेट्स रखे हुए थे जो पानी की बोतलों के और बाकी चीज़ों के, वो देखें किस तरह जल के बिल्कुल राख हो गए हैं, यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और ये रखे हुए हैं पानी की बोतलों के, ये आप लोग देखें जी नई, ये पुरानी नहीं है, ये नई है, सारी नई थी, ये सब कुछ राख हो गया जी यहाँ पर इनका। खैर चलें आगे दिखाते हैं आपको। स्ट्रेंज बात यह है कि आप लोग अगर देखें तो यहाँ से आग, मतलब इस दरख्त को आग लगी हुई है, तो इस दरख्त से आग जो है वो ये रोड क्रॉस की है और रोड क्रॉस करके यहाँ तक लग गई आग, मतलब ये जल गया है। ये अगर आप लोगों को तो खैर नींद नज़र आ रहा होगा अच्छे से, इतना ये जल गया। तो ये आप लोग ये सोचने समझने की बात ये है कि चलें ठीक है, जितनी भी हवा होगी सब कुछ होगा, इस बाड़े से आग क्रॉस करके उस बाड़े तक कैसे चली जा सकती है? इतनी ज़्यादा आग होगी या तो कि इतनी हवा होगी, इतनी आग होगी कि ये इतनी क्रॉस कर गई है, ये स्ट्रेंज सी बात है, एक समझ से बाहर बात है। खैर अल्लाह खैर करे, आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं। आप लोगों को ये याद होगा कि ये जो सड़क आ रही है इसके बिल्कुल सामने जो है वो शुएब का बाड़ा होता था इस जगह पर, और अब इस जगह पर शेर का बाड़ा नहीं है। और अगर आप लोग समझना चाहें कि आग कहाँ तक लगी है तो बाली शाह का बाड़ा होता था, और बाली शाह के बाड़े से थोड़ी सी आगे जाकर वहाँ पे जाके आग रुकी है। मैं आप लोगों को वो मनाजिर भी दिखा देता हूँ कि कहाँ पे जाके आग रुकी है। शायद पता होगा यहाँ पे एक नाला सा भी आता है जहाँ पर पानी खड़ा होता है गंदा हर वक्त, और ये साथ ही एक वॉशरूम टाइप बनाया हुआ उन लोगों ने, वहाँ पर यहाँ पर आके आग रुकी है। और इस साइड पर जो है वो उससे भी आगे जाकर आग रुकी है उस जगह पे जाके, तो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है ये आप लोग पीछे देख सकते हैं, पूरी मंडी जो है वो खाली हो चुकी है, सारी मंडी आग लग के खाली हो चुकी है। बैठे हैं साढ़े नाल की सलूक कर दी इंतजामिया सही तक कोई गल बात हुई है अले तक साड़ी ते किसे नाल नहीं हुई, ए तुहाडा बाड़ा है माली नुकसान हो जानी नुकसान नहीं हो जानवर ठीक है मतलब बना लो या बनाने पैसे देने गए या कोई कोई गल बात नहीं हुई हाले तक गवर्नमेंट तो कोई आया है कोई मतलब कई दसिया नहीं की गल बात हुई है या कोई ए नहीं दसिया की हाँ भी आप बना लो या असी पैसे देंगे या गवर्नमेंट कुछ इमदाद करेगी आगे तो हले बुझी नहीं
ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਆਦਨ ਜੀ ਅਫਸਰ ਕੋ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਲਾਇਆ ਮਲ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਸਹੀ मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह बछड़ों वाली साइड पे कोई आग नहीं लगी, ये सारे टेंट वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल ऑल राइट है। सिर्फ जो है वो एंड पे जो बिल्कुल बछड़ों की जो एंड होते हैं जहाँ पे बकरों वाले साइड शुरू होती है वहाँ पे आग है, तो उससे इधर इधर कोई आग नहीं है बछड़ों की साइड पर। बहुत सारे लोग क्योंकि बाद में सवाल करेंगे कि जी बछड़ों में क्या बना, तो बछड़ों में अल्लाह का शुक्र है जी कोई ऐसा कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। लोगों ने सारी सिचुएशन देखी है कि वहाँ यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है, और ये जो इलाका है ये सारा बड़े जानवरों का जो इलाका था वो है। ये बिल्कुल पीछे आके एक तूड़ी का जो डंपर यहाँ पे पड़ा हुआ था, और एक पीछे वो है होटल भी है, और साथ जो है वहाँ पे क्या नाम है चारा वगैरह जो है वो भी बेचते थे, तो वो भी सारा जल के राख हो चुका है अब तक। और यहाँ पर अभी भी मतलब आग कई जगह जो है वो लगी हुई है, दो जगह हैं अभी यहाँ पे ये तूड़ी को आग लगी हुई है। ये भी किसी वक्त भी अगर ये भड़क उठी तो ये और ज़्यादा नुकसान कर सकती है। और एक पीछे आग लगी हुई है वो भी होटल की जगह है, वहाँ पे आग लगी हुई थी। तो ये जी आज लोग आप लोगों को जो भी मैंने दिखाना था मैं दिखा चुका हूँ। मेरी कोशिश तो ये है कि जी अल्लाह करे कि इन लोगों का जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा भर जाए। ज़ाहिर है गवर्नमेंट का काम है कि अगर कोई नुकसान होता है तो वो क्योंकि टैक्स लेती है तो टैक्स के इवज़ उन अपने अपने बंदों को जो है वो सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करे। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पता नहीं है कि आग कहाँ से शुरू हुई। लेकिन आप लोगों ने सारे सीन देखे हैं आग लगने के, और आग बुझाने के भी फायर ब्रिगेड भी आई थी, सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन जिस तरह से आग फैली है फायर ब्रिगेड कुछ भी नहीं कर सकी। तो खैर ये थी आज की वीडियो, होप के अल्लाह ताला इन सब लोगों को जो है इन लोगों का जो जितना भी नुकसान हुआ वो भर दे। और इसी दुआ के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। होती है अब अगले बुध के मुलाकात, देखते हैं कि बुध वाले दिन क्या कुछ होता है। अल्लाह हाफिज़।